तो हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे आइसोमेरिज का, तो हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे आइसोमेरिज को एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज को एक्सप्लेन करेंगे। आयनाइजेशन आइसोमेरिज क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड होगा, दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जब हम पानी में डालेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो दोनों अलग अलग आयंस जो है प्रोड्यूस करेगा, सेम काइंड ऑफ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। जबकि उसका स्ट्रक्चरल, उसका जो मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब हम वाटर में डालते हैं तो वो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा। इंग्रेडिएंट सेम रहेगा, सारा पार्टिकल सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह के आइसोमेरिज को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज। तब हम लोग जो है एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये दोनों का हम ये एग्जांपल हमने लिया है, CONH3O5Br SO4 CONH3 SO4 Br, ये दोनों ये सल्फेट है, ये ब्रोमाइड, ठीक है ना। दोनों का नाम डिफरेंट होगा, ठीक है, और उसका आप जान सकते हो कि नाम क्या है। इसका नाम क्या होगा? पेंटामाइन ब्रोमो कोबाल्ट सल्फेट, और उसमें कोबाल्ट का जो है आप कोऑर्डिनेशन नंबर दे देंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आएगा? ये इस पर दो माइनस होगा तो ये दो पॉजिटिव होगा, तो इसके चलते माइनस वन है, इसके चलते जीरो कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर प्लस टू है तो प्लस टू लाना पड़ेगा, यहाँ माइनस वन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस थ्री, तो ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये इसका नाम क्या हो गया? पेंटा अमाइन ब्रोमो लिख सकते हो या ब्रोमिडो भी लिख सकते हो, ठीक है, ब्रोमो भी लिख सकते हैं और ब्रोमिडो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम ब्रोमो चाहे ब्रोमो यूज करेंगे, ब्रोमो कोबाल्ट थ्री सल्फेट, इसका नाम ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन के ऊपर माइनस वन होता है, इस पर प्लस वन होगा, इस पर माइनस टू है, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो है, तो यहाँ प्लस वन कैसे आएगा? प्लस वन तभी आएगा जब यहाँ पर प्लस थ्री रहेगा, इसका भी तो जो है ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या होगा, पेंटा अमाइन सल्फेटो, सल्फेट है ना, तो सल्फेटो होगा, एक ही सल्फेट है, सल्फेटो कोबाल्ट थ्री ब्रोमाइड। दोनों का नाम अलग अलग हो गया, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों का नाम अलग अलग हो गया, ठीक है। अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज कैसे है? जब इसका आयनाइजेशन होगा, जब इसको हम लोग पानी में डालेंगे, तो क्या क्या बनेगा? बनेगा CONH3O5Br प्लस टू, ये एक आयन बनेगा, और दूसरा आयन बनेगा SO4 2-, ये जो है आयन बन जाएगा। जब इसको हम आयनाइज करेंगे, इसको जब हम पानी में घुलाएंगे, ठीक है, तब देखिए क्या क्या बनता है, CONH3O5 सल्फेट, और ये हुआ प्लस वन, और साथ में बनेगा Br-1। दोनों का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है सेम है, मतलब दोनों का जो है मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये दोनों आयन बनता है, और इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये दोनों आयन बनता है, दोनों में डिफरेंट आयन बना। तो इस तरह का जो आइसोमेरिज होता है, जिसमें कि
पानी में डिजॉल्व करने के बाद डिफरेंट आयंस देता है, इसका मतलब है कि डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरीज में दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक लिगेंड ब्रोमीन है, यहाँ पर एक लिगेंड सल्फेट है, दोनों एक दूसरे अलग अलग है। तो इस तरह का जो सिचुएशन आएगा इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरीज। मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, जिसके कारण जो है डिफरेंट आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसमें जो किस तरह का आइसोमेरीज में आयनाइजेशन आइसोमेरीज में, ठीक है। और भी एग्जांपल लेंगे, जरा इसको भी देखिए, इसको भी जब हम पानी में डालते हैं, दोनों एग्जांपल हमने लिया है, इसको पानी में डालेंगे, इसको भी पानी में डालेंगे, ये कौन सा आयन देगा, ये देगा Pb(NH3)4Cl2, ठीक है, ये प्लस 2 हो गया, और Br2 साथ में क्या देगा, 2Br-, ये वाला आयन से बनाएगा। इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये भी दो आयन बनाएगा, Pb(NH3)4Br2, ये एक आयन बनेगा और दूसरा आयन बनेगा Cl-। इसको हम पानी में डालते हैं तो ये दो आयन बनता है, इसको हम पानी में डालते हैं ये दोनों आयन, तो दोनों में डिफरेंट आयन बना के, यहाँ ब्रोमाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफरेंट है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफरेंट है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन पानी में डालने के बाद वो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड क्या है, दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन जब हम इसको पानी में डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह का जो, और डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी है इसके पास, इसलिए ये जो हुआ आयनाइजेशन आइसोमेरीज हुआ, क्योंकि पानी में डालने के बाद ये डिफरेंट आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए सो क्या कर रहा है, आयनाइजेशन आइसोमेरीज को। तो आयनाइजेशन आइसोमेरीज का होता है कंपाउंड व्हिच हैव सेम केमिकल कंपोजिशन बट प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सच अ आइसोमेरीज इज नॉन एज आयनाइजेशन आइसोमेरीज, एंड दीज टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर नोन एज आयनाइजेशन आइसोमर। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस ये एग्जाम्पल देख लीजिए, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, एक ही कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, 1 नाइट्रेट है, 1 सल्फेट है, तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, कोई चीज़ भी डिफरेंट नहीं है, इसमें भी एक कोबाल्ट कोबाल्ट, अमोनिया 5 अमोनिया 5, नाइट्रेट 1 तो नाइट्रेट 1, सल्फेट 1 तो सल्फेट 1, दोनों में सारा चीज़ सेम है, तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। ये दो डिफरेंट कंपाउंड है लेकिन दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, यानी मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब इस दोनों कंपाउंड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो दोनों का जो केमिकल बिहेवियर वो डिफरेंट होता है, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देख लीजिए, इस अगर इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, CO(NH3)4(5)NO3)2+, और दूसरा आयन क्या हो गया, सल्फेट हो गया, SO4 प्रोड्यूस किया। जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तब देखिए क्या आयन प्रोड्यूस होता है, SO4 ये आयन जो है प्रोड्यूस हुआ, और साथ में जो है NO3- प्रोड्यूस हुआ, तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है,
लेकिन जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, इसका आयंस आप देखिए और इसका आयंस देखिए, दोनों में आयंस डिफरेंट है। तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये डिफरेंट काइंड ऑफ आयन को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह का आइसोमर को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर, और इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज। ठीक है, तो इतने एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज क्या होता है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज इज द फिनोमिनन इन विच टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम केमिकल कंपोजिशन और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वन when it is subjected to water or dissolved into the water, it produces different kind of ions and thereby giving different chemical properties. So such phenomenon is known as ionization isomerism. ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से revise कर लेंगे। Okay? फिर से और एक एग्जाम्पल लिए हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज के लिए। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। इसमें एक कोबाल्ट है, पांच अमोनिया, एक ब्रोमीन है, यहाँ भी एक क्लोरीन है, यहाँ भी एक ऑक्जलेट है, यहाँ भी एक ऑक्जलेट है, तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, यानी मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। लेकिन ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है, क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये डिफरेंट केमिकल बिहेवियर देता है, क्योंकि ये पानी में वो डिजॉल्व होने के बाद दो डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, ये दोनों ही डिफरेंट काइंड ऑफ आयन प्रोड्यूस करता है। सेम आयन प्रोड्यूस करता हो तो सेम केमिकल का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ये डिफरेंट काइंड ऑफ आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड है। और ये दोनों आइसोमर है, क्योंकि ये सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला से बिलोंग करता है, क्योंकि दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, इसलिए आइसोमर है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज बोलते हैं। क्योंकि दोनों डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज भी बोलते हैं इस दोनों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब क्या वाटर में डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा, ये प्रोड्यूस क्या करेगा, CuNH3O5Br, ठीक है, प्लस टू C2O4 नंबर, ये हुआ आयन, ऑक्जिलेट आयन हो गया और ये आयन हो गया। अब ये देखिए क्या प्रोड्यूस करता है, CuNH3O5 C2O4 + 1 Br-. देखिए इस केस में ये दोनों आयन्स, देखिए इस केस में कोई सिमिलैरिटी है, एनायंस भी डिफरेंट है, कैटायंस भी डिफरेंट है, ना तो एनायंस सेम है ना ही कैटायंस सेम है, इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ आयन क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इस दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ, दोनों में लीगेंड डिफरेंट है, इसमें लीगेंड ब्रोमीन है और अमोनिया है, इसमें लीगेंड अमोनिया है और ऑक्सलेट है, तो दोनों का लीगेंड डिफरेंट है, अराउंड द सेंट्रल एटम जो लीगेंड का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, इसीलिए ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज कहला रहा है। ओके, और ये इस एग्जांपल को भी ध्यान से देखें, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, देखिए कैसे कोबाल्ट और कोबाल्ट देखिए, अमोनिया चार है, यहाँ भी अमोनिया चार है, यहाँ पर क्लोरीन दो है, एक दो, यहाँ पर भी क्लोरीन दो है, इसमें एक नाइट्रो है, यहाँ भी एक ही नाइट्रो है, NO2 एक ही है दोनों में, तो दोनों में देखिए हर सारे इंग्रेडिएंट सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट डिफरेंटली बिहेव करता है। जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये दोनों जो है डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब है कि इस दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं होता तो ये दोनों डिफरेंट आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, और ये दोनों आयन प्रोड्यूस डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हुआ, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ आइंस प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, CONH3 4 4 Cl। अब देखिए इसके ऊपर क्या है, माइ प्लस वन हो गया और साथ में जो है Cl ये हो गया, आयंस हो गया इस कंपाउंड के लिए। अब इस कंपाउंड का देखिए CONH3 4 4 Cl2 ये हो गया प्लस वन N2 माइनस वन। ठीक है, तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन दोनों ने डिफरेंट काइंड ऑफ आयन प्रोड्यूस किया, कैटायन भी डिफरेंट है, एनायन भी डिफरेंट है, इसलिए ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज को शो कर रहा है। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज क्या हुआ, आयनाइजेशन आइसोमेरिज आर दोज काइंड ऑफ फिनोमेना when two or more compounds having same chemical formula and similar chemical composition but have the different chemical properties because it produces different ions in the solution in when it is dissolved in water। ठीक है, तो इस तरीके से इस आइडिया को पूरी लीगल कर। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज का, जिसमें दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ आयन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखिए एक और एग्जांपल लिए, दोनों कंपाउंड देखिए, एक क्रोमियम है, यहाँ भी एक क्रोमियम है, यहाँ फाइव अमोनिया है, यहाँ भी फाइव अमोनिया है, वन सल्फेट है, यहाँ भी वन सल्फेट है, वन ब्रोमीन है, यहाँ भी वन ब्रोमीन है, तो इंटायर केमिकल कंपोजिशन सेम है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों ही डिफरेंटली बिहेव करता है, दोनों डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देता है, यानी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्यों डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करता है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ आयन क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर कहाँ पर है, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम, ये डिफरेंट है। इसमें पांच अमोनिया और एक सल्फेट है लिगेंड के रूप में, इसमें पांच अमोनिया और एक ब्रोमीन है लिगेंड के रूप में, तो दोनों में जो अरेंजमेंट है ना लिगेंड का वो डिफरेंट है अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम दोनों में सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड जो है सेम नहीं है दोनों में, जिसके कारण ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज का काम करता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ आयन को प्रोड्यूस करता है, इसलिए डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज देता है। अब इसका कौन कौन सा आयन बनेगा, देखिए वाटर में डिजॉल्व करने के बाद CrNH3O5SO4 प्लस वन प्लस Br माइनस वन, ये दोनों आयन प्रोड्यूस करेगा ये, और ये इसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CrNH3O5Br2+। ठीक है, और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फेट SO4 2-। ये हो गया और ये हो गया, ये डिफरेंट काइंड ऑफ आयन है, ये कैटायन और इस कैटायन को कंपैरिजन कीजिए डिफरेंट है, इस एनायन को इस एनायन को कंपैरिजन कीजिए दोनों डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कंपाउंड है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस को प्रोड्यूस करता है। इससे पता चलता है कि दोनों ही कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, भले ही मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। तो इस तरह के आइसोमर को, इस तरह के आइसोमेरिज को हम लोग आयनाइजेशन आइसोमेरिज बोलते हैं, और ये जो कंपाउंड है ये आयनाइजेशन आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको लगता है कि आपको आइसोमेरिज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। अब नेक्स्ट डे हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बारे में,
तो आज हम लोग बस यहीं फिनिश करते हैं, तो नेक्स्ट डे विल बी स्टडिंग द फर्दर।